एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का राजधानी जयपुर के अंदर एक तरह का शक्ति प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि तमाम जो भीड़ है, चारों तरफ माहौल है, इसको अगर आप देखेंगे तो अंदाजा लगाएंगे कि हवा महल क्षेत्र में खुद ओवैसी जो है पब्लिक से मुलाकात कर रहे हैं। एक तरह का उनका शक्ति प्रदर्शन है राजधानी जयपुर में। पूरे राजस्थान का दौरा है, राजस्थान में अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहे हैं। यहाँ पर मस्जिद आयशा सिद्दीकिया में ये नमाज पढ़ने आए हैं। यहाँ पर एक तरह का द्वंद सा खड़ा हुआ है। एक तरफ लगातार पोस्टर और ताकत का प्रदर्शन जो है कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के द्वारा किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो है ओवैसी को पसंद करने वाले लोग जो भीड़ लगाए हुए हैं। इन हालात के अंदर आप देखेंगे कि जो स्थिति है इसमें राजस्थान के अंदर अभी तक 5 सितारा होटलों में ही असदुद्दीन ओवैसी की प्रेस वार्ता होती थी, तमाम लोग मिलते थे, लेकिन अब ग्राउंड जीरो पर उतर के पहले जालूपुरा में, फिर अब जयपुर की भट्टा बस्ती में, इसके बाद में जो शेखावाटी अंचल है उस पूरे इलाके में जो है ये दौरा जारी रहेगा। आप देखिए कि यहाँ नमाज पढ़ने आए हैं ओवैसी, एक मैसेज दिया, कटाक्ष भी किया है, और उन मुद्दों पर कटाक्ष के बाद में अब आप देखेंगे कि यहाँ ओवैसी पहुँच गए हैं और नमाज पढ़ने के बाद में बाहर निकल रहे हैं। जनता का जो आप एक तरह से हुजूम देख सकते हैं, भीड़ आप देख सकते हैं, जो पब्लिक रिस्पॉन्स है वो आप देख सकते हैं, जिस तरह की सिचुएशन है, जो पब्लिक पब्लिक का जो रिस्पॉन्स है उसको लेकर के क्या कहना है, पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा है? अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोल पाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं पब्लिक को धकेला जा रहा है, जो सिचुएशन है उसके अंदर। यहाँ पर एक अलग टीम जो है ओवैसी के साथ में है, जो भीड़ है इसका जो हालात है, बात करना चाहते हैं मीडिया से लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और जो सिचुएशन है उसमें एक बड़ा मैसेज है कि राजस्थान की सियासत किस करवट जाने वाली है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से।